नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज पिथौरागढ़ के मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आज अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम कल्चरल बोनांजा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत व ILC के निदेशक सिंद्रे वैडविक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों ब्रिटिश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, पैराग्वे, स्वीडन, अमेरिका एवं भारत के डेलीगेट्स द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के माध्यम से अपने अपने देश की रीति रिवाज, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को जानने का प्रयास किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा कुमाऊनी गीत, नृत्य, झोला आदि की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसको विदेशी नागरिकों द्वारा खूब सराहा गया। इस दौरान संस्थान के निदेशक देवाशीष पंत द्वारा बताया गया कि इस तरह के आयोजन अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय समय पर किए जाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मानस कॉलेज द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। समापन अवसर पर विभागाध्यक्ष अंशुल पंत ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन प्रशंसा पंत व दिव्यांश कृति द्वारा किया गया। हेलो, माय नेम इज जेम्स, आई एम फ्रॉम द USA एंड आई हैड द वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टू इंडिया एट द मानस कॉलेज इन पिथौरागढ़ एंड टू हैव अ कल्चरल एक्सचेंज. And the culture that I have experienced, the presentations have been amazing. Before I came, I knew nothing. बीते दिनों से जागुटा पहाड़ के बैनर तले गांधी चौक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ चल रहा आंदोलन आज भी जारी रहा। इससे पूर्व आज ADM FR चौहान की उपस्थिति में आंदोलनकारी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मध्य बैठक आयोजित हुई, पर बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के उपरांत भी सहमति न बन पाने के कारण आंदोलनकारियों ने गांधी चौक धरना स्थल पर पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। बैठक में आंदोलनकारियों ने रीएडमिशन शुल्क वापस किए जाने सहित अन्य मांगों को रखा, जिस पर दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाई। इसके उपरांत आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन करने के साथ धरना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धरने पर आज गोपू मेहर, विनीत पाठक, तपन रावत, गोलू पाठक, भुवन जोशी, RS खनका, आलोक सावंत, दीपक भट्ट, चंचल विष्ट, रविंद्र चंद, दीपक चंद, भुवन बुरा, हर सिंह बल्दिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बैठक को लेकर ADM FR चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो ये कई लोग दिनों से धरने पर बैठे हैं गांधी चौक में, जो विद्यालय में पुस्तकों के बारे में और शुल्क के संबंध में हैं, तो दोनों पक्षों को आज बुलाया गया, दोनों पक्षों को सुना गया है। दोनों पक्षों में किसी बिंदु पर तो तय हो गया है, मात्र एक बिंदु रह गया है जो इनके द्वारा सामग्री शुल्क लिया जाता है विद्यालयों के द्वारा, आदर्श शुल्क लिया जाता है। उसके संबंध में अभिभावकों की और जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों की आपत्ति है कि वो अनावश्यक लिया जा रहा है, वो बच्चों से नहीं लिया जाना चाहिए। तो उसी में कुछ शिक्षकों के द्वारा भी, कुछ विद्यालयों के द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं कि 100% वापिस न किया जाए। तो उसी में एक बिंदु पर अभी तय रहना बाकी है, बाकी दो बिंदु उनके तय हो गए कि जो पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार शराब की तस्करी करने व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर थाना अध्यक्ष देवल मदन सिंह द्वारा, अजय कुमार कुमासियर रही व अपर उप निरीक्षक पाल सिंह द्वारा वाहन चालक विजय बोरा निवासी चौपाटी को डीटीहाट के निकट से गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। थाना अध्यक्ष गंगुलहाट मंगल सिंह व टीम द्वारा दो व्यक्तियों बहादुर सिंह मनोदी कैड़ा व सुरेंद्र सिंह निवासी कनारा को शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही जजाटेवल पुलिस द्वारा मीन बहादुर निवासी नेपाल को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर वॉलंटियर की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक दिनेश चंद्र सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र जीना द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी आरोपी अमित कलपासी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नशे व मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर SSP उधम सिंह नगर के आदेशानुसार पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत ANTF और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 1 किलो 600 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। मीडिया सेल उधम सिंह नगर से मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान खेड़ा तिराहा के निकट से आरोपी शेखर गुप्ता निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश, उम्र 26 वर्ष के कब्जे से 1 किलो और राजीव गुप्ता
बरेली उत्तर प्रदेश, उम्र 32 वर्ष, हाल निवासी वाटा कॉलोनी गंगापुर रोड रुद्रपुर के कब्जे से 600 ग्राम अवैध चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने नेपाल बॉर्डर से चरस लाकर बरेली पहुंचाकर मांग के अनुसार रुद्रपुर क्षेत्र में बेचने के लिए आना बताया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 820 NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार खटीमा से पिथौरागढ़ को आ रही एक मैक्स जीप बनबसा के निकट अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बताया जा रहा है कि एक स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में जीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार नंदराम निवासी धारचूला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में बबलू, योगेश, मंजू, जयंती, सुरेंद्र सिंह, कैलाश, लक्ष्मी व आजाद घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान स्कूटी चालक भी घायल हो गया था। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को टनकपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। अन्य का उपचार जारी था। स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। नमस्कार, श्री माँ नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम सुवाकोट वड्डा, जो कि निशुल्क आवासीय विद्यालय है और संस्कृत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को यदि संस्कारवान व आधुनिक शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं तो विद्यालय में संपर्क करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।